स्वतंत्रता दिवस हम सबको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सब का आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे, इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक भव्य झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचकरण का यह संकल्प, जिस पंचकरण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहां पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हरेक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन
आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का, उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग हित्तों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया उनके सदस्यों ने अभी यहां पर यह सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्र अहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है, धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमें हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं, कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति अपने मत अपने मजहब अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता, उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपनी इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव ये भंगिमा हर जगह हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के चार कोरों में चार पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन उन सबको कराता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन पंच प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एकता और एकीकरण के लिए कार्य करना है,
लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। अब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर चिंता एकाधिकार है, दुनिया के 85% GDP पर चिंता अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा है, इस समूह के साथ जुड़ा है और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में आरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में ये आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भैया बहनों, हम सबने इस बात को देखा है पिछले 9 वर्ष में भारत ने जो यात्रा प्रारंभ की है वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेशवासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है,
परिश्रम के एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के प्रसन्न को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया अपने आप को, अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ। आपने देखा होगा इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, इस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहाँ लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जब निवेश नीचे उतरेगा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं, अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चित्तपूर्ण तरीके से लागू करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया का